जानकारी लेते हैं। विपिन, झारखंड में देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खास करके नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे के आने के बाद काफी रेस है और अब रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की गई है, जानकारी चाहेंगे। ये देखिए, बीते दिनों जब झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे रांची दौरे पर आए थे तो लगातार 3 दिनों तक उन्होंने पार्टी के लोगों से पार्टी की स्थिति का फीडबैक लिया था और उसके बाद उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि झारखंड सरकार में जो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं वो हर महीने 6-6 जिलों का भ्रमण करेंगे और साथ ही साथ हर शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। तो उसी कड़ी में आज रांची में पहली जनसुनवाई हो रही है जिसमें राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता कांग्रेस में पहुंचकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो आलमगीर आलम ने जिस तरह से कल दुमका में, रामेश्वर राव ने सिमडेगा में, उससे पहले आलमगीर आलम का दौरा हो चुका है रामगढ़ हजारीबाग का, रामेश्वर उराव खूंटी और गुमला में अपना दौरा कर चुके हैं जनसुनवाई को लेकर। तो उसी कड़ी में आज रांची जिला के समस्याओं से जुड़े हुए जनसुनवाई में आज मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और जिस तरह से अपने दौरे के दौरान अविनाश पांडे ने इस चीज को फील किया था कि कहीं ना कहीं संगठन और सरकार में एक संवाद की कमी थी, तो उसी संवाद की कमी को दूर करने को लेकर इस जनसुनवाई का निर्देश कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों को कांग्रेस के प्रभारी ने दिया है और उसी कड़ी में आज पहली सुनवाई हो रही है। और कल की अगर बात करें ईशान, तो कल शनिवार है और जो तय कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि हर शनिवार को भी कांग्रेस के मुख्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा, तो कल ग्रामीण विकास मंत्री और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम वो यहाँ पर जनता दरबार लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर रांची के विभिन्न जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री के सामने वो अपनी समस्याएं रख रहे हैं और जो निर्देश दिया गया है कि तत्काल जो समस्याएं हैं उसको निपटारा करने के लिए मंत्रियों को एक्शन लेना है और जो बड़े मसले हैं दूसरे विभाग के जो मसौदे होंगे उसको लेकर भी जो अपने सहयोगी कैबिनेट के मंत्री हैं उससे बातचीत करना है। तो फिलहाल कांग्रेस भवन में रांची जिला जनसुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जो है बन्ना गुप्ता वो जनसुनवाई लगातार यहाँ पर करते हुए देखे जा रहे हैं। जी जी ईशान, बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो समस्याओं और विभिन्न विभागों में हो रही परेशानियों को लेकर मंत्री से सीधी बात कर सकते हैं। इस जनसुनवाई में कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और इससे पहले आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें पंचायत स्तर पर जो लोग हैं अपनी समस्याओं को रख रहे थे। और अब इधर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से रेस है। एक बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की इसलिए भी है क्योंकि सरकार में सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ एक समन्वय बिठाकर काम करना है। और यही वजह रही कि जब कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, कई दिशा निर्देश दिए गए थे और उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी झारखंड में पूरी तरह से रेस है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।